हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम जब भी भारत में ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं, हम साथ ही साथ में रिकरेंट फेमिन्स, अकाल या भूखमरी के एपिसोड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। चाहे फिर आप बंगाल फेमिन ऑफ 1770 को ले लीजिए, वेरिन 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल पेरिश्ड और 10 मिलियन लाइव्स वर लॉस्ट। और टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट फेमिन ऑफ 1876-78, 6 to 10 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन डेक्कन। और टेक द एग्जाम्पल ऑफ द बंगाल फेमिन ऑफ 1943 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिश रूल से पहले भारत में भुखमरी या अकाल की सिचुएशन नहीं देखी गई थी, बट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी एंड द डेडलीनेस ऑफ दीज फेमिन्स इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। व्हाट वर द फैक्टर्स और द कॉजेस बिहाइंड द सडन राइज इन द फेमिन्स इन ब्रिटिश इंडिया? वॉज इट द ओवर पॉपुलेशन, the poor agricultural productivity, or the indifferent and apathetic attitude of the British administration, the colonial exploitative policies, or the market economy? तो यहां हम देखते हैं famines in British India were a result of a host of factors, a combination of factors. But in many ways, they were man-made disasters, symbolic of the exploitative colonial rule in India and the indifferent apathetic attitude of the British administration and officials towards the starving millions, the dying millions and the people of India. चलिए डिटेल में इन कॉजेस को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आप इंडिया का मैप देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो मेजर फेमिन्स रहे ब्रिटिश इंडिया के अंदर उनको शो किया गया है अलॉन्ग विद द रीजन्स विच वर अफेक्टेड बाय दीज फेमिन्स। आप यहां टेबल में देख सकते हैं, इफ यू गो थ्रू दीज टेबल्स, मिलियंस ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट। दो आज हम इन फेमिन्स को डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, हमारा मेन पर्पस जो है वो है कॉजेस बिहाइंड दी सडन राइज इन फेमिन्स इन केस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो लेट्स एक्सप्लोर द रीजंस वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। अगर हम ब्रिटिश इंडिया में एग्रीकल्चरल सिचुएशन को देखें तो हम देखते हैं एग्रीकल्चर वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहा था एडवर्सली। इसके अलावा आप देखोगे कि साल दर साल हमारा किसान जो है एक ही क्रॉप को उगाए जा रहा था, विच वॉज एडवर्सली अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी, द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, अगेन लीडिंग टू पुअर क्रॉप यील्ड। या इसके अलावा अगर हम देखें, द इरीगेशन फैसिलिटीज वर वेरी लिमिटेड, और इसके वजह से आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे द फार्मर वॉज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून फॉर कल्टिवेशन। और मॉनसून का जो इरेटिक एंड इरेगुलर नेचर है आप सब उससे वाकिफ हैं, तो कभी फ्लड्स तो कभी ड्राउट, रिजल्टिंग इन क्रॉप फेल्योर, अगेन अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, द यील्ड, लीडिंग टू फूड स्कैरसिटी, राइज इन द प्राइजेस ऑफ द फूड क्रॉप्स एंड स्टार्विंग मिलियंस। ठीक है, बट ये एक प्राइमरी रीजन है। बट ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो किस हद तक फेमिन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेट्स एक्सप्लोर दोस इन डिटेल। हम यहां पे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, इट वॉज ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। यानी बेसिकली भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं जो ओवरसीज यूरोप में डिमांड में थे, उन्हें सस्ते में यहाँ पे खरीदना और जाकर के महंगे में यूरोप के मार्केट में बेचना, और जो भी बीच का रहा वो उनका प्रॉफिट मार्जिन रहा, उसको री इन्वेस्ट करना टू गेन मोर प्रॉफिट। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल डिफरेंट पार्ट्स में एस्टेब्लिश होता गया, कंपनी का यहाँ पे मेन मकसद होता था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और इस रेवेन्यू के वाया, जिसको कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कहती थी, चीप प्राइजेस पे, है ना, डिक्टेटेड प्राइजेस पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडिया से खरीदना और उनको जाकर के यूरोप के मार्केट में महंगे दाम पर बेचना। आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द अनरीजनेबल हैवी रेवेन्यू डिमांड अंडर द वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स विच वर इन एग्जिस्टेंस, बी इट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और द रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम और द महलवारी सेटलमेंट सिस्टम, एंड द हाई हैंडेडनेस विद विच दिस रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, नो लीनियंसी वॉज शोन इवन इन द केस ऑफ क्रॉप फेल्योर और नेचुरल डिजास्टर्स। द फार्मर वॉज लेफ्ट विद
nothing to fall upon in times of crisis. He was not left with anything to invest in agriculture and he was not having any incentive even to do so. क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वो प्रोड्यूस करेगा द कंपनी विल एक्सट्रैक्ट इट इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. सो द एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रिजल्टेड इन रूरल इंडेटनेस, पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, फेमीन, स्टारवेशन एंड डेथ्स. फॉर एग्जाम्पल 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद the company got diwani rights in Bengal with the establishment of dual government in Bengal and the exploitation of EIC started. 1770 drought year tha and it resulted in famine in Bengal wherein around 10 million people died. Or take the example of the great famine of 1876-78. It was a result of a host of factors. Drought year, the revision of the revenue demand, wherein the revenue was increased by almost 50%. Already the farmers were reeling because of the market economy. Kyunki aapka American Civil War khatam ho chuka tha. Aur farmers ne jitna bhi invest kiya tha cotton cultivation mein. Because of the crash in the cotton prices, the farmers were under heavy debt. And because of a combination of all these factors and the harshness with which the revenue was collected by East India Company, a famine was seen in 1876-78, which basically affected the western portion of India and Deccan. 6 to 10 million people died. Lord Lytton was the viceroy. He was organizing the Great Grand Darbar to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Apart from that, aap dekhenge, in 1830s, when industrialization was at peak in England, there was a shift in the economic policy of the British from mercantile capitalism to industrial capitalism. Now, कंपनी का मेन मकसद होता था इंडिया से रॉ मटेरियल्स को चीप प्राइसेस पे खरीदना और उनको ब्रिटेन की फैक्ट्रीज को सप्लाई करना और ब्रिटेन में बने हुए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करना. बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वी लॉस्ट अवर ओवरसीज मार्केट एज वेल एज अवर डोमेस्टिक मार्केट बिकॉज हमारे आर्टिशंस जो हैं दे कुड नॉट कॉम्पीट विद द चीप मशीन मेड गुड्स. देर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज टू एग्रीकल्चर. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, रूरलाइजेशन इन इंडिया, विच इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द लैंड बिकॉज नाउ मोर एंड मोर पीपल बिकेम डिपेंडेंट ऑन द लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड. It led to land fragmentation and also it put a greater number of people, it heightened risk because now they were dependent on agriculture and agriculture was dependent on monsoon which was erratic, irregular. Apart from that, with the beginning of industrial capitalism or the impact of industrial capitalism in the British economic policies, a new system of plantation began. 1833 charter, it removed all kind of restrictions on European immigration in India and acquisition of property. Hum dekhte bahut sare Europeans yahan pe aaye and they were owners of plantations, tea plantation, coffee plantation, rubber plantation, cotton plantation, indigo plantation, jute plantations. It promoted monocropping. The British started promoting cash crops. And because of the promotion given to cash crop cultivation, land was diverted
फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप कल्टीवेशन. दिस इंपैक्टेड द ओवरऑल फूड प्रोडक्शन लीडिंग टू स्कैर्सिटी इन्फ्लेशन स्टार्वेशन. And because of monocropping, in case of failure of the crop due to natural reasons, say failure of monsoon or floods or pest attack, the farmer was left on nothing to fall upon. The Britishers exposed Indian agriculture to market economy before it was ready. We were exposed to the volatility in the market, the price fluctuations in the market. For instance, take the example of 1865 or 1860s and 1870s. In 1863, in America, the Civil War started. So, the supply of cotton from America was halted. Cotton cultivation in India was promoted. मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, पेजेंट्स को, सबको अच्छा पैसा मिल रहा था. डेक्कन एरिया विच इज फेमस फॉर इट्स ब्लैक कॉटन सॉइल एंड इट्स सुटेबिलिटी फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यहाँ पे किसानों ने भर भर करके कॉटन को उगाया. बट जैसे ही अमेरिका के अंदर सिविल वॉर खत्म हुआ, द कॉटन सप्लाई चेन्स फ्रॉम अमेरिका टू द वर्ल्ड मार्केट वर रीस्टोर्ड एंड कॉटन के प्राइसेस में हमें क्रैश देखने को मिलता है. Now the merchants and the traders stopped giving loan to the farmer. The farmer was in debt. And aap yahan dekhenge merchants hai, traders hai, money lenders hai, they were demanding their money back from the farmer. Drought year bhi dekhne ko mila. Aur usi saal sarkar ne revenue demand bhi badha di. And aap yahan pe dekhenge it led to the great famine of 1876-1878. In Bengal, Deccan and western portion of India. The Britishers, driven by the spirit of market economy and profit, they were more interested in exporting the grains to the world market than feeding the starving millions. Odisha famine of 1866. The official response was too late, too little, and the grains that arrived were rotten. Apart from that, जैसे कि हमने बात करी, the indifferent and the apathetic attitude of the Britishers towards the suffering millions, the suffering Indians, their racial arrogance. Their lack of understanding of the local conditions, the bureaucratic inefficiency, they were also the main causes that led to worsening situation in times of famine. Apart from that, belief in the principle of laissez faire, that is, if there is an inflation in the market, the government need not to intervene, the market will go for self-correction. Or in the Malthusian principles that the famines are nature's way of balancing the overpopulation. Winston Churchill is very famous for his statement during the Bengal famine of 1943 during the Second World War that the Indians are breeding like rats. They themselves are responsible for the famine situation that they are in. So, the governmental response and the delayed relief efforts, they were also equally responsible for the famines in India. Apart from that, with the introduction of the cash-based economy, there was a displacement of traditional livelihood. It disturbed the social structures, leading to marginalization of several communities.
they became susceptible to food insecurity and destitution during the periods of crisis. So social dislocation and displacement because of the British economic policies was also one of the factors behind the recurrent famines and the deadliness of these famines. आप देखिए 1943-44 का जो ग्रेट फेमिन हम देखते हैं बंगाल में, द ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड वर द वर्स्ट अफेक्टेड. पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इट अफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू फेमिन अफेक्टेड एरियाज. सो यहां पे ब्रिटिशर्स ने जो भी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर स्टेप्स लिए, बीट द रेलवे नेटवर्क और द हाईवेज और अदर मीन्स, दे वर प्राइमरली ड्रिवन बाय द इंपीरियल इंटरेस्ट एंड द कलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सो रेलवेज जो है दे वर इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली फॉर ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स टू पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड ब्रिंगिंग द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड सप्लाइंग देम टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर. देयर रोल in supplying the food to the famine affected areas was minimal. So lack of food storage and distribution networks further worsened the effect of crop failures. So ab ye clear ho chuka hai ki primarily British India ke andar jo famines humne dekhe, they were a result of a host of factors, but primarily the British economic policies and the apathetic attitude of the British administration and officials towards the starving millions was the primary cause behind the famines in India. For example, agar hum Bengal famine of 1943 ko thoda sa aur detail mein dekhe, to hum yahan pe kya dekhte hain, hum yahan pe dekhte hain ek to drought year, inadequate rainfall which adversely affected the crop productivity. Apart from that, because the Second World War was ongoing and Burma had fallen into the hands of Japan, there was loss of imports of rice from Burma. And the British, driven by their imperial interest and remaining alien to the plight of the suffering Bengalis, they were exporting rice to Sri Lanka, which was an important strategic base to fight against the Japanese, and also to other parts of southeastern India which were part of British Empire and dependent on rice, or dependent on Burma for rice. So wartime mismanagement was one of the important reasons behind the famine in Bengal in 1943. इसके अलावा बिकॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑन गोइंग, आप यहां पे देखेंगे होर्डिंग ऑफ फूड क्रॉप्स और इन केस ऑफ बंगाल राइस, स्पेक्यूलेशंस लेड टू शॉर्टेज ऑफ राइस इन द मार्केट. Add to it the incompetence of the government of Bengal and the procrastination of the Indian government, which led to delayed response and millions of people died. So, for Winston Churchill, it was not the Indians who were breeding like rats, but it was the colonial economic policy and the inhuman attitude of the British government that led to loss of millions of lives in case of India during the British rule. That's all from my side. Thank you so much. Agar aapko video pasand aaya hai, do like the video, share the video, and ek question hai aapke liye agar aap answer kar sakte hain, do let me know in the comment section the names of the famine commissions which were constituted during the British rule in India. Thank you so much. Have a good day ahead.